तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजी क्लास में। बड़ा प्रेम, बड़ा सम्मान, बड़ी चीज़ें हम लोग को मिली, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं नहीं। बाकी सारी चीज़ें मैंने बता रखी है, ठीक है। बैच हमने लॉन्च किया है, जीएस का बैच है, ठीक है। आप उसमें इनरोल कर सकते हैं, फीस नाम मात्र की है, और उसको आप इनरोल करिए, हमारे साथ जुड़िए और इस बार सिलेक्शन ले जाइए, ठीक है। बाकी डिटेल मैंने एक वीडियो बना रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप उसको जा करके देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो का इन में वो वीडियो आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन में भी उसको चेकआउट कर सकते हैं कि भाई साहब कैसे ले सकते हैं। और फीस बहुत मिनिमम है, बहुत मिनिमम है। पहले मैंने फीस बहुत रखी थी, फिर मैंने उसको कम किया कि भाई साहब थोड़ा ये ज़्यादा हो जाए, क्योंकि बच्चे कह रहे थे सर हम लेना तो चाहते हैं, पर जो आपने फीस रखी उतने तो पैसे भी नहीं है। मैं समझता हूँ कि भाई साहब आप मतलब आप क्या मैं भी सब हम लोग क्या स्टूडेंट हैं, ठीक है। मैं चाहूँ तो ये बैच फ्री में कर सकता हूँ, उसमें कोई मैं जानता हूँ फ्री का कोई वैल्यू नहीं है, फ्री को कोई नहीं पूछता यानी कितने वीडियो हैं। मगर यदि आप थोड़ा मतलब पे करेंगे तो मैं भी जिम्मेदार बनूंगा और आप भी अपने प्रति जिम्मेदार रहेंगे कि भाई साहब मैंने वहाँ पे किया, मुझे वहीं से पढ़ना है, 50 जगह से नहीं भागना है। और एक जगह आपको एक जगह स्थिर होना पड़ेगा, सिलेक्शन लेना है तो, बाकी नहीं लेना आप हर जगह घूमिए, कोई डजन मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाद में आपका मेरिट में नाम नहीं आएगा तो आप दुनिया को कोसते रहेंगे, उन्होंने मुझे लूट लिया, उन्होंने मुझे बर्बाद कर दिया, ये वो, क्योंकि 9495 वैकेंसी जीवन में कभी नहीं आने वाली, ठीक है। आपके जीवन में तो नहीं मिलेगी, ये तो मैं एकदम लिख के दे रहा हूँ, चाहो तो मुझसे लिखवा लो, ठीक है। इसलिए बैच ज्वाइन कर लेना, बहुत मिनिमम प्राइस है, ठीक है। वीडियो आप लिंक के नीचे मिल जाएगा, आपको जाकर चेक कर लेना, ठीक है। बाकी आप मुझे पे कर सकते हैं और हमारे बैच में इनरोल कर सकते हैं। बैच जो स्टार्ट होगा वो लगभग अभी मैंने सोचा था 1 मार्च से स्टार्ट करूंगा, पर उस बैच को मैं डिले करके थोड़ा सा लेट करूंगा, 3 या 4 मार्च से मैं उसको शुरू करूंगा, क्योंकि बच्चे हैं अभी कलेक्ट होने में समय लग रहा है, उनको समय भी लगता है सोचने में कि लूँ कि ना लूँ, ऐसे कहीं इन्होंने मेरी प्रॉपर्टी ना लिखवा दे, ठीक है, कुछ मन में होता है नहीं। पर बाकी आपने जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया भाई साहब, मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ, मेरी औकात नहीं उतनी, मगर आपने जितना सपोर्ट किया बहुत है। आज बात करने वाला हूँ डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, 2 मिनट फिर मैं खा गया, माफ़ करिएगा, ठीक है। आज मैं बात करने वाला डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, बस इसलिए मैं बोल रहा हूँ यार कि आपका होने पाए, सिलेक्शन होने पाए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं फालतू बैचेस निकाल रहे, कोई मतलब नहीं उनका, हज़ारों हज़ार बच्चे इनरोल्ड कर रहे हैं, देखना उनका फाइनल सिलेक्शन क्या होगा, कोई 2-4 को करवा पाए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होनी चाहिए, सबसे पहली चीज़, जो बच्चे अपेयरिंग है, जो बच्चे इस साल BA कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, जिनके मार्कशीट नहीं आई है, कृपा करके वो शायद वो इनरोल नहीं कर पाएंगे। नोटिफिकेशन में साफ साफ अंग तालिका चाहिए होगी ग्रेजुएशन की, यदि अंग तालिका नहीं है तो आप वो फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है। इसलिए फाइनल होना बहुत ज़रूरी है, बाद में आपकी डिग्री जब वेरिफिकेशन आएंगे तो वो डिग्री भी आपकी देखेंगे, तो डिग्री भी होनी चाहिए। यदि वेरिफिकेशन मान लेते जून में ही, सॉरी मान लेते यदि दिसंबर में ही हो गया तो आप डिग्री कैसे निकलवाएंगे, ठीक है। तो डिग्री निकलने में भी थोड़ा टाइम लगती है। यदि आपका कंप्लीट हो गया मार्कशीट, आपके पास अंक तालिका आ गई तो उसको भर दीजिए, तो फिर आपको 4 महीने बाद आपकी डिग्री विग्री आप अप्लाई कर पाएंगे। यदि नहीं है, अपेयरिंग है, यदि कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पहली चीज़ डॉक्यूमेंट्स क्या कहिए, सबको यहाँ बहुत जाति और निवास में बड़ा कन्फ्यूज़न है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। मैं आपको बताऊँ जाति किसकी किसकी बननी, पहले बता दूँ, ठीक है, ध्यान सुनिए। देखिए यहाँ पर जात केवल OBC बनेगी, SC बनेगी और ST बनेगी, और एक बनेगी EWS। EWS की इसलिए कहीं चाहिए क्योंकि उनकी सीट रहेगी, उन्हें आरक्षण मिलेगा, मगर किस बेस पे, केवल सीटों के बेस पे, ठीक है। इनकी सीटें अलग होंगी, ठीक है, रिजर्व सीटें होंगी, पर इनको एज में छूट नहीं मिलेगी। एज का बड़ा मुद्दा है, एज का बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है। मैं भी बात अपनी रख रहा हूँ, काफ़ी लोगों से मेरी बात हो रही है कि भाई साहब यदि एज वैसे, और पिटीशन डाली हाई कोर्ट में, आपकी बात सुनी जाएगी, जल्दी जल्दी डाल दीजिए, ठीक है। तो OBC, SC और ST इनके लिए आपको जात प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, ठीक, और इसके लिए तो बनवानी पड़ेगी, ठीक है, EWS के लिए, ठीक है, EWS का बनता है। अब इनके लिए भी लिमिटेशन है, सबसे जो लफड़ा होता है ना वो OBC का होता है, क्योंकि यहाँ पर क्रिमिलेयर और नॉन क्रिमिलेयर होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो डेट है ना वो हर बार बदलती रहती है, तो इस बार इन्होंने जो डेडलाइन रखी है, मतलब यहाँ से बना होना चाहिए 1 अप्रैल 2020 के बाद, यदि आपका जाति बना हुआ है या फिर निवास बना हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 अप्रैल 2020 के बाद यदि आपके पास जात निवास बना हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इससे पहले का यदि बना हुआ है, यदि आपके पास 31 मार्च 2020 का बना हुआ है तो वो अप्लाई मत कर देना,
भाई साहब सिलेक्शन से बाहर कर दी, लात मार दी जाएगी, ठीक है। इसलिए बात बहुत ध्यान से बात समझा रहा हूँ, यहाँ का जात प्रमाण पत्र बनवा लेना। निवास की भी यही कहानी है, ठीक है, निवास की भी यही कहानी। निवास भी नया होना चाहिए, एक साल के अंदर अंदर हो, तो वैसे आइडेंटिफाई इसको किया नहीं है, पर आप रिस्क मत लीजिएगा। यदि आपने अप्रैल के बाद बनवाया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप उसको बनवा लीजिए तो ज़्यादा और बेटर रहेगा, ठीक है। हाँ, फिर दूसरी चीज़ इनकी बात करते हैं, SC ST के लिए। SC ST के लिए ऐसी कोई भी नोटिस में बात नहीं की गई है कि आपका जो जात प्रमाण पत्र होना चाहिए वो 1 अप्रैल 2020 के बाद का होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं की। इसलिए भाई साहब यदि आपका 2015 का, 16 का, 18 का है या फिर 19 का है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उसमें भर सकते हैं। पर यदि आप चाहें, आप सेफ और होना चाहते हैं, तो आप, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि 150 रुपये का आप बनवा सकते हैं, वो एकदम सेफ होगा, ठीक है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बनवा लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। बाकी पुराने भी लगा सकते हैं, वो आपकी श्रद्धा है, ठीक है, वैसा कुछ वहाँ पर मेंशन नहीं किया है। तो ये हो गए जात, इनके लिए भी यही बात है, निवास यदि बना हुआ है, एक साल के अंदर का बना हुआ तो ज़्यादा बढ़िया है, वही मैंने बोला निवास के बारे में बोला नहीं गया, पर एक साल के अंदर का है तो बहुत अच्छा होगा, कोई टेंशन वेंशन वाली बात नहीं होगी। मैं तो कहूँगा लेटेस्ट जितना हो सके उतना अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स होंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। EWS का भी यही है, पैसा इनके तो अभी बनने ही शुरू हुए, ठीक है, तो बहुतों के बने, बहुतों के नहीं बने, तो इनका कोई परेशानी बात नहीं, एक बार जब भी EWS को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो दो, एक पॉइंट तो ये होगा, दूसरा पॉइंट भी हो गया, अपेयरिंग वाला हो गया, ठीक है, अपेयरिंग वाला मैटर हो गया, और डॉक्यूमेंट्स का कुछ है नहीं, ठीक है। मार्कशीट आपकी लगेगी, मार्कशीट है नहीं, जो ग्रेजुएशन के ग्रेजुएट होंगे तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, एक पॉइंट और मैं तो बोलिएगा, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ओ लेवल मांग रहे हैं और NCC का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, कुछ बच्चे ये कह रहे हैं सर हम फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ये तो ऐसा बोल दिया, ऐसा नहीं भाई साहब, ये कोई कंपलसरी नहीं, फिर से मैं बता दूँ, ओ लेवल और NCC वो उन्होंने बोला है, यदि अधिक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको वरीयता दी जाएगी। कैसे वरीयता दी जाएगी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे दो बच्चे हैं, दोनों के नंबर 270 और 270 है, अरे यार ये तो गड़बड़ ले लिया, नहीं जैसे मान लेता हूँ 260 ले लो, 260 ले लो, ठीक है, दोनों के 260 आपने ले लिए। अब यदि इसके नंबर 260 इसके 260 है, दोनों की एज भी क्या है सेम है, कभी कभी होता है कि जो ओवर एज होने वाला उसको मौका दिया जाता है, यदि दोनों की एज भी सेम है, पहला केस तो यहाँ पर दोनों सेम है तो जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको ज्वाइनिंग में पहले भेजा जाएगा, पहला पॉइंट ये रखो। दूसरा पॉइंट, यदि दोनों की एज भी सेम है तब वहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स आपके काम आएंगे। यदि आपने NCC दी है तो यदि मान लेते ये ए है और ये बी है, दोनों की एज सेम है, इसने NCC किया हुआ है और इसने नहीं किया हुआ है, दोनों के सेम नंबर है, तो इसको वरीयता दी जाएगी, इसको वरीयता नहीं दी जाएगी, ये बात। यदि इन्होंने ओ लेवल भी किया है तो फिर तो क्या ही माशाल्लाह, फिर तो क्या ही कहना है, फिर तो इनको भी, पर फिर से मैं बोल रहा हूँ नंबर में कोई छूट नहीं दी जाएगी, वरीयता में आपको छूट मिलेगी, नंबर में कोई छूट नहीं है कि आप सोचो 20 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, 10 नंबर, यहाँ पर किसी तरह का कोई मतभेद नहीं किया जाएगा, बस है तो आपको वरीयता दी जाएगी। ये है पूरा डॉक्यूमेंट्स का खेल। बाकी आप नोटिफिकेशन के नीचे जाएंगे तो डॉक्यूमेंट जो है जात प्रमाण पत्र सेंटर वाला मत लगा लेना, नहीं तो भाई साहब बहुत पछताओगे, जात प्रमाण पत्र स्टेट का बनेगा, प्रारूप नीचे दिया है नोटिफिकेशन में जाकर के यदि चेकआउट करोगे तो प्रारूप उस तरह की दिया हो तो उसी तरह के प्रारूप का बनाएगा, बहुत बढ़िया रहेगा। और भैया मैं तो कहूँगा कि गलती ना करें, गलती करेंगे तो जीवन भर पछताएंगे, ठीक है, बात समझे। तो मुझे उम्मीद है ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, बहुत सारी बातें हैं। एज के लिए आप, मैं कहूँगा कि आप पिटीशन डाल सकते हैं, आपका काम हो जाएगा, क्योंकि जो बच्चे मतलब बाहर हैं उनके लिए मतलब मुझे बड़ा दुख है कि वो बाहर हो रहे हैं, कोई 29 दिन से बाहर हो रहा है, कोई 30 दिन से, कोई 40 दिन से बाहर हो रहा है, तो बड़ा ये, यदि यही डेट 1 जुलाई 2020 रख दी जाएगी तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा समस्या होगी। और मुझे 99% चांस है यदि आप पिटीशन डालेंगे तो ये जो डेट है ना ये पीछे हो करके, और शायद वो एज रिलैक्सेशन भी 1 या 2 साल का आपको दे सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, ये बहुत चांसेस है। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन कैंसिल कर दिए पर उसके भी बहुत सारे रीज़न रहे, पर आप डालेंगे तो शायद ये है क्योंकि UPSC हर साल वैकेंसी निकालती है, ये हर साल वैकेंसी नहीं निकालती, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो इस वजह से हाई कोर्ट आपको रिलैक्सेशन दे सकता है, आप जाए पिटीशन डालें और आपका काम हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच आपके प्रेम के लिए। बाकी आप बैच एनरोल करना चाहते हैं तो ये वाला बैच आप एनरोल कर सकते हैं और बढ़िया फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं होगी और हम पढ़ाएंगे आपको और मजा आएगी और क्या। बाकी इस बैच में बहुत सारी चीज़ें होंगी, डिटेलिंग आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को आराम देख लीजिए, क्या क्या मैं पढ़ाने वाला हूँ, क्या क्या बताने वाला हूँ, सारी चीज़ें, ठीक है। इस वीडियो में इतना, थैंक यू सो मच।